राजधानी रायपुर में आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राजधानी के गुड़ियारी अशोकनगर में एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजी घटना गुड़ियारी इलाके की है। बड़ा अशोकनगर स्थित दुर्गा चौक में पूर्व पार्षद बजरंग निषाद के छोटे लड़के छगन निषाद ने युवक सूरज साहू पर चाकू से हमला कर दिया। घटना सुबह 8:30 बजे की है। घायल युवक सूरज साहू का इलाज अम्बेडकर अस्पताल में जारी है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इससे एक दिन पहले डीडीनगर थाने की पुलिस ने चाकू से हमला कर घायल करने वाले आरोपी आयुष्मान देवांगन उर्फ आशु को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चाकू भी जब्त किया गया है। पीड़ित मिथिलेश यादव ने बताया कि वह शनिवार की रात 10 बजे नवयुवक गणेश उत्सव समिति द्वारा स्थापित गणेश प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए सदस्यों के साथ महादेव घाट ले जा रहा था। गणेश मंदिर रायपुरा पेट्रोल पंप के पास आरोपी आशु देवांगन और खगेश पाल के मध्य विवाद होने पर सुलझाने का प्रयास किया। इस पर आक्रोशित होकर आयुष्मान ने गाली गलौज करते हुए चाकू से पीठ और नाक पर हमला कर फरार हो गया। थाना गुड़ियारी क्षेत्र में एक युवक को अज्ञात आरोपी ने चाकू मार दिया था और जिस पर घायल सूचना मिलने पर एफ आई आर दर्ज कर धोखासाजी की गई। आरोपी को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को आज न्यायालय रिमांड में भेजा गया है।